हेलो स्टूडेंट, मैं तिवारी सर, आपका BST टीचर, फिर एक दूसरे वीडियो के साथ। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में आपने मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा, मैनेजमेंट क्या है, फीचर्स क्या हैं, 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो कि हर 2-3 साल में रिपीट होता है, कभी कभी तो कंटिन्यूस दे देता है क्वेश्चन हमारे पेपर में, कि मैनेजमेंट को हम क्या माने, साइंस है या आर्ट्स है या दोनों है, है ना, साइंस है या आर्ट्स है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज, है ना। तो किसी चीज़ को हम साइंस कब मानेंगे, है ना, या किसी विषय वस्तु को हम आर्ट्स कब मानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हैं प्रिंसिपल्स, जिस पे हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, है ना, और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि आप क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है क्लियर ना आए, इसलिए आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो क्या है, यूनिवर्सल हैं, है ना। जैसे बॉल को अगर हम फेंकते हैं ऊपर तो वो क्या होगा, नीचे गिरेगा, इफेक्ट है, सब कोई जानते हैं, यूनिवर्सल है, है ना। तो साइंस कोई चीज़ है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट से गुजरना होगा, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले हम जान जाएं आर्ट्स क्या है और साइंस क्या है ना, उसके लिए अब हम बात करें। तो जैसे कि एक बैट्समैन है, ये हम जानते हैं कि वो बैट्समैन जब बॉल को हिट करेगा तो बॉल कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, है ना, ये क्या है, साइंस है। लेकिन वो बैट्समैन कैसे हिट करेगा, कैसा मारेगा, है ना, वो जैसा मारेगा, वो मारने के तरीकों को हम क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे, यानी कला, है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। तो क्या करना होगा, 3 टेस्ट से गुजरना होगा, है ना, 3 टेस्ट। जैसे हमको बुखार हो गया तो पहले के डॉक्टर क्या बोलते थे, चलो ये लोग गोली गोली खा लो, इंजेक्शन दे दिए, ठीक हो गया। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है, आप टेस्ट करवाओ, आपको क्या है कि नहीं। वैसे ही मैनेजमेंट साइंस है, इसके लिए हम साइंस के फीचर के साथ क्या करेंगे, मैनेजमेंट के फीचर को देखेंगे कि इस मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है साइंस। साइंस क्या है भाई, सिस्टेमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टिन जनरल ट्रूथ। मतलब साइंस क्या है, एक सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हमको एक ट्रूथ बताता है, जनरल ट्रूथ बताता है, वो भी कैसे, सर्टेन, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस। जैसे कि भाई वाटर का फार्मूला क्या है, H2, इस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, है कि नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। यहाँ इंडिया में भी, अमेरिका में भी, चाइना में भी क्या बोलेंगे इसको, H2O ही बोलेंगे, सिंपल है। तो ये जैसे सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है, कुछ फैक्ट बताता है जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं इनके अपने प्रिंसिपल्स पर, एक्सपेरिमेंट पर, है ना। ये तो मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस, हम साइंस बोल सकते हैं। इसके लिए टेस्ट करेंगे, 3 टेस्ट से गुजरेगा हमारा मैनेजमेंट। फर्स्ट टेस्ट है जैसे कि सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। तो जैसा कि अब इसका मेन मीनिंग क्या हो गया, कि मतलब क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होना चाहिए प्लस, है ना, प्रिंसिपल, थ्योरी और रिसर्च पर बेस्ड, थ्योरी प्लस रिसर्च, प्रिंसिपल्स, थ्योरी प्लस रिसर्च, ठीक है। तो साइंस के पास अपनी एक क्या होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी अपनी थ्योरी होती है, और ये डेवलप्ड होता है कैसे,
रिसर्च के बाद बहुत टाइम लगता है ना। उसके बाद क्या होता है, एक ट्रू आता है सामने में, एक ट्रूथ आता है सामने में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंस। तो क्या मैनेजमेंट पास भी है ऐसा? यस बिल्कुल है, मैनेजमेंट की भी अपनी क्या है, एक थ्योरी है, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, फेयोल याद होगा, टेलर याद होंगे, 14 प्रिंसिपल्स हैं, आपको याद होगा ना, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा, फेयोल के द्वारा, है कि नहीं। तो ये भी क्या है, मैनेजमेंट में ये करेक्टरिस्टिक्स मिल रही है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे थ्योरी हैं, अब प्रिंसिपल्स बने हैं तो उस पर क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है, बहुत साल तक क्या हुआ है, इस पर रिसर्च हुआ है, तब जाके प्रिंसिपल बाहर आए हैं, कुछ जनरल ट्रूथ बाहर आए हैं, है कि नहीं। आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रिंसिपल्स भी हैं, मतलब मैनेजमेंट के पास क्या है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, रिसर्चेस हुए हैं, उसके बाद कुछ निकल के आया है जो कि जनरल ट्रूथ है कि नहीं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास भी अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, थ्योरी है, रिसर्च हुआ है ना, फिर उसके बाद कुछ जनरल ट्रूथ हमारे सामने आया गया है। तो ये मैनेजमेंट क्या हो गया भाई, पहले टेस्ट में पास हो गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि नहीं। अब सेकंड टेस्ट में आ जाते हैं, सेकंड टेस्ट क्या बोलता है हमारा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स किस में बेस्ड होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो क्या है ऐसा मैनेजमेंट में, है कि नहीं। तो ये समझिए कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए। तो जब साइंस में ग्रेविटी की हम बात करें, है ना, ग्रेविटी की बात करें, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले 10th क्लास में कि सेब गिरा तो ग्रेविटी के नियम जो भी है कि नहीं। तो क्या वो एक दिन में ही देख के हो गया होगा, नहीं, उसके ऊपर क्या हुआ होगा भाई, रिसर्च हुआ होगा, है कि नहीं, कई सालों तक रिसर्च चला होगा। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी लगातार कई सालों तक क्या हुआ है, रिसर्चेस हुए हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले मैंने क्या किया, आपको एक एग्जांपल दिया फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, है ना। अब आपने क्योंकि पिछले साल पढ़ा हुआ है कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें, है ना, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, लेबर मैनेजमेंट, वेजेस मैनेजमेंट, ठीक है, सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए इसको ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे प्रिंसिपल्स भी किस में हैं, बेस्ड ऑन किस पे, एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, जो कि लंबे समय से इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी फाइंड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेनी ईयर टू डेवलप एन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या हैं, बहुत साल से एक्सपेरिमेंट उनके पास किया गया है, उसके बाद वो क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, क्लियर है। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स भी मिल गई, यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये टेस्ट में भी हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया, पास हो गया भाई, इस टेस्ट में भी हमारा मैनेजमेंट पास हो गया, और हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, ठीक है। थर्ड टेस्ट, फाइनल टेस्ट देखते हैं, यूनिवर्सल, है ना, साइंस क्या है, यूनिवर्सल है। जैसे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था H2O पानी का फॉर्मूला, वो इंडिया में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी, क्या बोलेंगे भाई, H2O ही बोलेंगे, है कि नहीं। साउथ अफ्रीका जाएंगे वहां भी क्या बोलेंगे, H2O बोलेंगे, मतलब वो जो फार्मूला है या जो जनरल ट्रूथ है जो भी है वो क्या है, साइंस में यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे सार्वभौमिक, क्या बोलेंगे हम, सार्वभौमिक, ठीक है, जो हर जगह पे लागू है और प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं, रिजल्ट भी क्या है वहां एक जैसा है कि नहीं। तो क्या मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है ना। अच्छा, इसमें दो मत है बेटा, जो रिसर्चर हैं, जो विद्वान हैं, है ना, मैनेजमेंट के जो जानकार हैं, वो उनके दो मत हैं। कई लोग मानते हैं कि नहीं यूनिवर्सल नहीं है, और कई लोग क्या मानते हैं कि नहीं भाई इसके प्रिंसिपल भी क्या हैं, यूनिवर्सल है, ठीक है।
दोनों में थोड़ा सा टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम अपनी तरफ से देखें तो एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो इंडिया में जो मैनेजमेंट का तरीका है, ठीक है, तो क्या वही तरीका अमेरिका में भी रहेगा? ये थोड़ा सोचने वाली चीज है, ठीक है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं कि अब पहले हमारे समय में जब हमारी मम्मी उठाती थी, हम सोए रहते थे, तो मम्मी क्या करती थी, उठाती थी, एक बार प्रेम से बोलती थी, नहीं उठे तो क्या करती थी, झापड़ मारती थी, दे दनादन, ठीक है, उठे तो उठे, बढ़िया चीज है, नहीं उठे तो और पढ़ती थी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हो गया, सेंसिटिव हो गए हैं बच्चे, तो आज की डेट में माँ बाप क्या करते हैं, उठ जा बेटा, आज मतलब नहीं करते ना मारपीट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में अगर माँ बाप अपने बच्चे को मार दे तो केस हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी मैनेज करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हर जगह एक ही चीज अप्लाई नहीं हो सकती, खासकर मैनेजमेंट में, है कि नहीं। ये तो क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको, कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सल ये नहीं है, सबका तरीका अलग अलग है। एक एग्जांपल और देता हूं, गूगल आपने सुना होगा, ठीक है, गूगल अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, वर्क देता है ना, वर्क देता है और बोलता है उसको, उसके लिए क्या करता है, वो एक टाइम लिमिटेशन बांध देता है कि ये आपका वर्क है आज होना, ठीक है। सुबह आपको वर्क मिल गया, आपको फाइल मिल गई, जो भी है ना, उसको आपको क्या करना है, शाम तक कंप्लीट करना है। आप ऑफिस में करो, घर में करो, या कहीं भी करो, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, ऑफिस में क्या होता है, आपको फाइल या वर्क दे दी जाती है, अब जब तक वो फिनिश्ड नहीं होगा, जब तक वो काम नहीं होगा, तब तक आप ऑफिस छोड़ के घर के लिए नहीं जा सकते, है ना। यानी काम करवाने का तरीका हर जगह पे अब क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है ना। मैनेजमेंट बोलते किसको है, काम करवाना, है कि नहीं। बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, अपने वर्करों से काम लेना ही क्या है, मैनेजमेंट है कि नहीं। तो ये इसके रूल्स यूनिवर्सल नहीं हो सकते, ठीक है। वो कंडीशन के ऊपर है कि आपका वर्क कैसा है ना, और वहां की स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करवाते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट हर जगह वैसा ही नहीं चलता, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड, ठीक है, हर जगह एक जैसा नहीं होगा। अब साइंस में क्या होता है, हर जगह उसको क्या बोल रहे हैं भाई, H2O बोल रहे हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे कोरोना, तो अगर मान लीजिए वैक्सीन बन रही है तो उसकी टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर, उसमें टाइम लगता है ना, अभी टेस्टिंग चल रही है, हर देश अपने अपने वैक्सीन को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अमेरिका बनाता है एक वैक्सीन, टेस्टिंग में पास होता है, सब कुछ सही है, तो वो अमेरिका में भी काम करेगी वो वैक्सीन, और कहाँ काम करेगी, इंडिया में भी करेगी, चाइना में भी करेगी, श्रीलंका में भी करेगी, है कि नहीं। वो क्या है, वो दवा कैसी हो जाएगी, एक यूनिवर्सल की जैसे हो जाएगी, है ना, हर जगह पे वो वही काम करेगी जो अमेरिका में काम करेगी। ये मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन मैनेजमेंट में परिस्थिति के हिसाब से हम मैनेज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल नहीं बोल सकते, है ना। यानी यहां पे हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, है कि नहीं। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, हम इस पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 टेस्ट अरेंज किए, ठीक है, 3 टेस्ट में 2 टेस्ट हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया, पास कर लिया, ठीक है। लेकिन 3rd टेस्ट में जाके अटक गया, है कि नहीं, यानी पास नहीं कर पाया, है कि नहीं। पहला टेस्ट क्या था भाई, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी हमारे पास हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए जैसे साइंस के पास होता है, हमारे पास हमारी थ्योरी होनी चाहिए जैसे साइंस के पास होना चाहिए, ये डेवलप हो लेकिन लंबे रिसर्च के बाद। तो क्या ये तीनों है हमारे पास मैनेजमेंट में, यस है, इसलिए हमने क्या किया, पास कर दिया, ठीक है। सेकेंड में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, हमारे प्रिंसिपल किस पे होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होने चाहिए। तो क्या है ऐसा, जी हाँ बिल्कुल है, टेलर हो गए, फेयोल हो गए, और बहुत सारी बुक्स हैं, आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं,
इसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर कैसे किया जाए मैनेज, एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करने के क्या बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये है क्या हमारे पास मैनेजमेंट के पास, यस है। ठीक है, इसमें भी पास हो गया। अब यूनिवर्सल थर्ड टेस्ट में हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया है, थोड़ा सा लूज हो गया है, मीन्स फेल हो गया है। ठीक है, तो क्या हम माने इसको साइंस है या हम क्या माने, है कि तो फेल तो हुआ है बट पूरा फेल नहीं हुआ है। यानी अगर 100 मार्क्स का ये पेपर था जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 में मैनेजमेंट ने कितने बनाए, 2 सॉल्व किए, ठीक है, एक नहीं कर पाया, तो हम क्या माने इसको, यस हम मान सकते हैं इसको साइंस है। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज कितना आ रहा है बेटा, 66% क्या है मैनेजमेंट, एक साइंस के जैसा ही है कि नहीं। केवल एक जगह पे वो फेल हो रहा है, किसमें फेल हो रहा है भाई, यूनिवर्सल वो नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट परफेक्ट साइंस। ओके, परफेक्ट साइंस हम इसको नहीं बोल सकते, इट इज बेटर टू कॉल अप्लाइड साइंस। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट साइंस भी बोल सकते हैं। कई बार पेपर में बेटा ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज सॉफ्ट साइंस, मैनेजमेंट इज सॉफ्ट साइंस, एक्सप्लेन इट, ऐसा करके क्या होता है, क्वेश्चन आता है, उसमें हमको क्या करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट साइंस यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हम इसको सॉफ्ट साइंस को बोलेंगे। ठीक है, या अप्लाइड साइंस क्यों बोलेंगे मैनेजमेंट को, क्या आपको क्लियर है? ठीक, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, और आप पेपर में भी ऐसे ही बनाएंगे, कंक्लूजन जरूर निकालेंगे बेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं पेपर में, जो हमने याद किया हुआ है पैराग्राफ या जो रटा हुआ है ज़्यादातर, ठीक है, उसको हम पूरा वैसा कहीं वैसा उतार के चले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो हम घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना होगा, बाकी मैं और आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। ये जरूर होना चाहिए, कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके बेटा, देख लीजिए आप लोग, यस बेटा, तो आप लोग अभी पढ़ रहे थे मैनेजमेंट एक साइंस के रूप में, कि वो साइंस है कि नहीं है, है ना। अब सेकेंड क्या होता है, मैनेजमेंट इज आर्ट, क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट मान सकते हैं, है कि नहीं। तो आर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जाने आर्ट्स क्या है। तो आर्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, यानी नॉलेज को क्या करें हम अप्लाई करें, कहाँ पे नॉलेज को हम ज़मीन पे अप्लाई करें। ठीक है, यानी हम अपने नॉलेज को लगातार क्या करते रहें, बढ़ाते रहें, किसके द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस हम करते रहें। जैसे हम जान रहे हैं आर्टिस्ट किसको बोलेंगे, जैसे एक डांसर है ना, डांसर को हम क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं। ठीक, उसके पास नॉलेज तो होता है ना, नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज लगातार बढ़ता रहे, वो लगातार क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। जितना प्रैक्टिस करेगा उतने ही उसके कला में क्या होगा, निखार होगा, है ना। आर्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में कला बोलते हैं, आर्ट को क्या बोलेंगे हम, कला बोलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज मीन्स नॉलेज को क्या करना, अप्लाई करना। ठीक है, तो इसके लिए भी हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, आर्ट्स बोल सकते हैं कि नहीं। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टेस्ट करना पड़ेगा, 3 टेस्ट, फिर 3 टेस्ट में हम देखेंगे कि हम मैनेजमेंट को आर्ट्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। पहले वाला एग्जांपल फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता है ना, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, MS धोनी भी क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है कि नहीं। तीनों क्या हैं, बैट्समैन ही हैं। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो एक जैसी ट्रेनिंग सबको मिली होगी, है ना, कि बॉल को हिट करना है, कैसा करना है। ठीक है, तो लेकिन जब वो मैदान में आते हैं खेलने के लिए, है ना,
तो सबका अपना अपना क्या रहता है, अलग अलग स्टाइल होता है। स्टाइल होता है मतलब खेलने का तरीका, नियम प्रिंसिपल सब वही हैं, लेकिन खेलने का तरीका थोड़ा थोड़ा सबका क्या होता है, अलग होता है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते होते हैं ताकि वो और अच्छा खेल सके और बेहतर खेल सके, है कि नहीं। तो इस चीज़ को समझना होगा, इसको भी हमको क्या करना है, तीन टेस्ट से गुजारना होगा, तब हम बोल पाएंगे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। ठीक है, तो देखते हैं वो तीन टेस्ट क्या है, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरिकल नॉलेज। ठीक है, आर्ट्स में क्या होता है, थ्योरिकल नॉलेज बहुत होता है, बहुत ज़्यादा थ्योरिकल नॉलेज। तो क्या हमारे पास है, यस है, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास। आप गूगल में सर्च करेंगे तो मैनेजमेंट की इतनी सारी बुक मिल जाएगी आपको कि आप समझ, अभी तो हम एक ही बुक पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, अब आगे और बहुत सारी बुक्स हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं, जिससे हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो पहला टेस्ट पास भाई है, आर्ट्स में बहुत सारी थ्योरिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास भी क्या है, मैनेजमेंट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी साइड हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं। तो पहला टेस्ट क्या हो गया बेटा, पास हो गया, यस। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सब अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं, इसका मतलब ये हो गया, है कि नहीं। ऐसा कोई सा भी चीज जिसको है तो वही चीज, लेकिन हम उसको क्या करें, अपने तरीके से अलग अलग करें, ठीक है, वो क्या बोलेंगे हम उसको, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में भाई हम जानते हैं कि रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, रोटी बनाने के लिए चाहिए हमको आटा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, बेलना चाहिए, पटा चाहिए, सब जान रहे हैं, ठीक। अब मैं रोटी बनाऊंगा तो अपने तरीके से बनाऊंगा, हो सकता है कि रोटी मेरी क्या हो, गोल ना बने, हो सकता है ऐसी बन जाए भाई, है कि नहीं, ऐसा बन सकता है क्योंकि मैं पर डे रोटी तो नहीं बना रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मेरे घर में कोई लेडीज जो हमेशा रोटी बना रही हैं वो अगर करती हैं तो उनकी रोटी क्या बनेगी, गोल बनेगी, है कि नहीं। सिंपल चीज़ है, अपने तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट में भी वैसे ही है, जितना ज़्यादा आप काम करते जाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके काम में निखार आते जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या करोगे, अपने काम को और बेहतर कर सकोगे, है कि नहीं। और एक आधे एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जिस चीज़ को हम लगातार कर रहे हैं, है ना, जो चीज़ हम लगातार कर रहे हैं उस पर हमारा क्या होते जा रहा है, एक्सपीरियंस होते जा रहा है ना, एक्सपीरियंस होते जा रहा है। तो हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पर डे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, है कि नहीं। वही काम हम करते रहते हैं रोज़ रोज, लेकिन हर दिन हमारे पास क्या होता है, नई सीख आती है, हम नया चीज़ सीखते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्या ये गुण है हमारे पास मैनेजमेंट में, यस है, बिल्कुल है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, मैनेजमेंट को आर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसा कि पहले मैं बताया कि एक डांसर है, है ना, डांसर को क्या बोलेंगे हम, आर्टिस्ट बोलेंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर डे उसका प्रोग्राम हो या ना हो, कहीं स्टेज में उसको परफॉर्म करना हो या ना करना हो, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, पर डे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और नए तरीके से कैसे हम डांस कर सकते हैं, उसके में क्रिएटिविटी भी हो सकती है, अपना एक फॉर्म वो क्या कर सकता है, बना सकता है, एक सिग्नेचर फॉर्म होता है, आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो वो कर सकता है ना, दो फॉर्म मिला के एक फॉर्म बना सकता है। तो उसके में क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस लगातार। वैसे ही मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट में क्या, लगातार वर्क। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, है कि नहीं। मैनेजमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब वो लगातार चलते रहता है ना। तो लगातार जब मैनेजमेंट चलता रहेगा तो वही उसकी क्या कहलाएगी भाई, प्रैक्टिस कहलाएगी, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो गायक होते हैं, सिंगर, है ना, जो सिंगर होते हैं
वो लगातार रियाज करते हैं। रियाज करना मतलब प्रैक्टिस करना है ना, सुबेरे उठ जाते हैं, रियाज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी आवाज बनी रहे है ना, और अच्छे से निखरे। जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी और सुरीली उनकी क्या होगी, आवाज होगी, है कि नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हमारे पास गाते हैं तो कितने सुर होंगे भाई, 7 सुर होंगे। ठीक है, उन्हीं 7 सुरों को उन्हीं प्रिंसिपल पे वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और लगातार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है, लगातार प्रैक्टिस चलते रहती है। जो हमारा वर्क है, जो हम रोज काम कर रहे हैं, वो हमारा काम भी है और वो हमारी क्या है, प्रैक्टिस भी है। नई चीजें हम लाते हैं दिमाग में ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। हम ऐसी नई नई चीजों को हम खोजने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करवा सकें, जो लास्ट ईयर हमने जैसा काम करवाया है उससे भी अच्छा काम हम करवा सकें, अपने काम को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। इसलिए क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं हमारे मैनेजमेंट में? यस, बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट में तो क्या हुआ भाई, 100 out of 100 बन गया। हमारे पास हमारे एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए, वो है। सेकेंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट में भी वो होता है कि कोई बहुत अच्छा मैनेजर होता है, कोई थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होता है, उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे काम हमारा बढ़ते जाता है, अगर हम ऑनर हैं और खुद मैनेज कर रहे हैं तो भी जैसा जैसा हमारा बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे क्या होती जाएगी, नॉलेज बढ़ती जाएगी और हम अपने तरीके से क्या करेंगे, अपने वर्क को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो क्या इस टेस्ट में पास हुआ? यस, पास हो गया। थर्ड, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। क्या है बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए लगातार हमको अपने काम को करना है और साथ में नई नई चीज़ों को भी हम उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कर करके। तो नई क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस लगातार जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, बताइए, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट्स है? ये आप लोगों को थोड़ा सोचना है और इसका कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, कंक्लूजन निकालना है, क्या निकलता है बताओ? चलो, ये आपका होमवर्क हो गया, इसका कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, बराबर प्रॉपर इसका नोट्स तैयार करोगे, आप बुक ओपन करोगे तो सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, और आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि नोट्स बनाना आप लोग तैयार कीजिए। मैं यहां पे जो भी वीडियो आएगी आपकी, तो ज्यादातर मैं कोशिश ये करूंगा, क्योंकि क्लास 12th है, ऐसे पैराग्राफ उठाऊंगा है ना, या ऐसे क्वेश्चंस को उठाऊंगा जिस पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसको समझेंगे, जो आपके पेपर में आ सकता है बेटा। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि आएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा एकदम सतर्क हो कि आप क्या करेंगे, पूरे नोट्स बनाएंगे है ना। बुक्स आपने परचेस कर ही ली होगी, तो इसको देखेंगे कौन सा पेज है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, देखिए बेटा।